बिहार के एक व्यक्ति को 4.5 ग्राम हेरोइन के साथ दबोच कर किया NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज। दबोचे गए आरोपित को पुलिस ने अदालत में पेश कर लिया एक दिन के पुलिस रिमांड पर। रोज का मेरो थाना पुलिस ने बिहार के एक व्यक्ति को 4.5 ग्राम हेरोइन के साथ दबोच लिया। पुलिस ने इसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इसे 16 नवंबर बुधवार को अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपित को एक दिन के पुलिस रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार श्रवण कुमार निवासी करंजा जिला बांका बिहार बरौठा रोड पर किराए पर मकान में रह रहा है। रोज का मेव थाना प्रभारी कृष्ण कुमार को 15 नवंबर मंगलवार की शाम मुखबिर से सूचना मिली कि श्रवण कुमार रोज का मेव बस स्टॉप के पास लगे खोके के पास खड़ा है और उसके पास हेरोइन है। दबिश देने पर इसे हेरोइन के साथ दबोचा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर उन्होंने तुरंत पुलिस टीम भेजी और इस टीम ने श्रवण कुमार को दबोच लिया। तलाशी लेने पर इसके पास से पुलिस ने 4.5 ग्राम हेरोइन बरामद की। अदालत द्वारा एक दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपने पर पुलिस श्रवण कुमार से पूछताछ करेगी और उससे हेरोइन कहां से और किससे और कब खरीदी थी, कौन व्यक्ति है जो यहां पर हेरोइन बेच रहा है। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार का कहना है कि बिहार के श्रवण कुमार को 4.5 ग्राम हेरोइन अफीम के साथ गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। इसे अदालत में पेश कर एक दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।